47 वर्ष के व्यक्ति हैं और जीवन में ज्योतिष बनना चाहते हैं, और ज्योतिष बनने का इनका सपना भी पुराना है। ऐसा नहीं है कि कुछ वीडियो देख लेने से ये प्रेरित हो गए हैं। जब भी हमें एक अच्छा ज्योतिष बनना है, जो ज्योतिष विद्या एक जादू की विद्या है, एक संजीवनी है। शुक्र का पर्वत अच्छा होना चाहिए, और इस प्रकार यदि शुक्र का पर्वत अच्छा बना है तो व्यक्ति ये धारणा कर सकता है कि वो ज्योतिष बनेगा। शुक्र का पर्वत इस तरफ से अगर कर्व लेता है, कटाव लेके चलता है, तो इसे कहा जाता है कि ये अच्छे शुक्र हो गए हैं। और शुक्र पर्वत पर अगर स्क्वायर के साइन बनते हैं, ऐसा बन रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन कहा जाता है। तो शुक्र का पर्वत इनका बहुत अच्छा है। कुछ यहाँ पर गड़बड़ लग रही है, एक क्रॉस आ रहा है, ये भी इसमें सुधार हो जाएगा। जब शुक्र के पर्वत पर इस तरफ कोई भी नकारात्मक साइन बनते हैं, तो ये वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत उथल पथल देते हैं, लेकिन इतनी नहीं देते हैं कि वो मैनेज ना हो पाए। यहाँ पर इस प्रकार अंगूठे पर अगर लाइन चलती है और दो पौरवों को काटती है, ये दो पौरवे हैं, ये एक है ये दूसरा, इस प्रकार ये लाइन काटती है, तो भी वैवाहिक जीवन में उथल पथल होती है। और ये जो कनेक्शन होता है, ये हमारी सेक्स लाइफ से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम तीसरा मणिबंध देखते हैं, वो खुल गया है, तो मैरिज लाइफ में उथल पथल इनकी है। जो एक अच्छा करियर ये बनाना चाहते हैं, अगर दूसरा मणिबंध खुला होगा तो धन और करियर इसमें संघर्ष बना रहेगा। लेकिन पहला मणिबंध जब अच्छा बना होता है और बिल्कुल लहरदार बना हुआ है, तो इसमें बहुत अच्छा पावर पोटेंशियल होता है, और इसके बलबूते हम दूसरा और तीसरा और अगर हो सके तो चौथा भी बन जाना चाहिए। ये एक मोक्ष की गारंटी होता है। तो अगर पहला सही है तो हम दम लगा के दूसरा, तीसरा और चौथा भी कम समय में जल्दी से रेमेडी करके कर सकते हैं। शुक्र पर्वत के अलावा जो साइन बनता है वो यहाँ देखिए, ये है बृहस्पति का पर्वत, ये है शनि भगवान का पर्वत। एक चीज़ का ध्यान रखिए, शनि अगर खराब खराब भी होते हैं तो भी व्यक्ति ज्योतिष बन सकता है। दोनों पर्वतों की उंगलियों के बीच में यहाँ पर इस प्रकार की रेखा अगर ये चलती है, तो ये भी हमें ओकल्ट साइंस, जिसे हम ज्योतिष कहते हैं, इस तरफ हमें ले जाती है। अब इस लाइन में भी थोड़ी सी खराबी है, देखिए ये लाइन इस तरह बनी होती है, लेकिन शनि पर जब भी कोई आड़ी लाइन जाती है, यहाँ पर देखिए बहुत हल्का इंप्रेशन से ये वक्री लाइन हो रही है। मैं शनि के पर्वत को ले लेता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शनि के पर्वत पर खड़ी लाइन अच्छे करियर को इंगित करती है, कंटिन्यूस धन भी देती है, लेकिन यहाँ पर इनकी वीक है। अगर थोड़ा सा और इंप्रेशन लेके देखते हैं तो यहाँ पर एक वक्री लाइन दौड़ गई है। जब इस प्रकार वक्री लाइन दौड़ती है तो ये हमारी इनकम लाइनों को तो डैमेज करती ही करती है, साथ में यहाँ पर जो ऑकल्ट साइंस की मैंने लाइन बनाई थी, ये लाइन इसको भी गड़बड़ कर देती है। तो लाइन तो बनी है, इनको सुधार की आवश्यकता है। धन करियर के लिए भी ये ज्योतिष को चुनना चाहते हैं, एक बहुत शानदार प्रोफेशन होता है, और कम समय में आज को ये है कि मीडिया आ गया है, आप एक लाइब्रेरी इलेक्ट्रॉनिक सेट कर सकते हो। पुराने समय में स्लेट पेंसिल से सीखना पड़ता था, तो वो एक लंबा प्रोसेस था। जहाँ एक दशक में जो हम जैसे लोगों ने सीखा है, यदि आज के नौजवान उसे अपनाए तो साल भर में वो सीख सकते हैं। यहाँ पर शुक्र का पर्वत अच्छा है और ये लाइन भी दृष्टिगत तो हो रही है। अब यहाँ देखिए इस प्रकार ये जो लाइन है और इनकी जो एज है, 47 एज है इनकी, और बिल्कुल ये लाइन 47 के आसपास इंगित हो रही है। इस प्रकार ये लाइन जब चलती है और शनि पर्वत तक पहुंच रही है, एक बार पुनः फोकस करके मैं दिखाता हूँ, इस प्रकार ये चल रही है। यहाँ से वक्री लाइन आने के कारण यहाँ तक चलकर वीक होती है। जो इनकी रेगुलर लक लाइन है वो भी यहाँ जाकर वीक होती है और ऊपर कुछ इम्प्रेशंस देती है। तो ये समय इस वक्री लाइन के कारण हमारा जो इनकम है, करियर है, वो थोड़े समय के लिए डावाडोल होता है। इनको ज़रूरत है इस लाइन को बचा के रखने की, क्योंकि ये बहुत अच्छा धन बार बार देती है, और ऐसे लोग अपने पूरे परिवार का खर्चा उठा सकते हैं, सक्षम होते हैं। अब यहाँ देखिए इस प्रकार ये लाइन वीक क्यों हो रही है,
आधे रास्ते जाके कम कमज़ोर क्यों पड़ती है। अगर हम थोड़ा सा उंगली की तरफ देखें शनि पर्वत पर, ये पर्वत है शनि का और उंगली टावर कहलाती है सारे पर्वतों की, ये वाला बीच वाला पोरवा, यदि इस पोरवे पे खड़े लाइनें इंगित होती है तो व्यक्ति का इनकम आउटपुट, धन का आवागमन बहुत अच्छा बना रहता है। और जब ये लाइन गड़बड़ हो जाती है और यहाँ पर आइलैंड भी पड़ गया है, इसलिए बीच वाली उंगली का धन के लिए बहुत महत्व है, बिल्कुल सीधा होनी चाहिए। यहाँ देखिए इनकी चार लाइनों का इम्प्रेशन दिखता है। और अब यहाँ पर तिल आया है, यहाँ पर तिल आ गया है और एक आइलैंड यहाँ पर बन गया है और ये सब लाइनें भी वीक पड़ गई है, तो इसलिए धन और करियर जो है वो अभी कोमल स्थिति में है, उसे अच्छी जगह पे पहुँचाना चाहिए। तो ये तो मैंने व्याख्या करी इनकी, लक लाइन की, ऑकल्ट लाइन की और वीनस के पर्वत की। एक अच्छा ज्योतिष बनने के लिए गुरु का पर्वत यदि सहायक है तो ये बहुत अच्छी बात होती है। अगर यहाँ पर हम देखें गुरु के पर्वत पर, तो कोई विशेष चिन्ह अंकित नहीं है, जो ग्रोथ लाइन होनी चाहिए इनकी, इस प्रकार इनकी ग्रोथ लाइन चल रही है, आगे तक जा रही है, लेकिन ये ग्रोथ लाइन वीक है, यहाँ पर आइलैंड बना हुआ है। तो ग्रोथ लाइन जब भी गड़बड़ होती है तो गुरु का पर्वत कमज़ोर कहा जाएगा। अगर हम उंगली देखें गुरु पर्वत की, तो इस प्रकार थोड़ा सा तिरछापन लिए हुए हैं, तो ये प्रभाव में और पावर में गुरु कमज़ोर दिख रहे हैं, यहाँ पर भी लाइनें टूटी हुई हैं। गुरु के पर्वत पे अगर पहले पूर्वे में आइलैंड बनता है तो भी ये पर्वत कमज़ोर हो जाता है। तो इनका शुक्र का पर्वत अच्छा है और बिल्कुल कहा जा सकता है कि ज्योतिष के लिए ये इनका हाथ तैयार है। सफलता के लिए चाहे कोई भी क्षेत्र हो, ज्योतिष हो चाहे इसके अलावा कोई क्षेत्र हो, मंगल का पर्वत शानदार होना चाहिए। मंगल लाइन बहुत अच्छी बनी है, लहराती हुई लाइन है। अगर हम फोकस करके देखें तो इस लाइन ने लाइफ लाइन को टच कर दिया है, तो यहाँ पर अंगारक दोष का निर्माण हो गया है। ये लाइफ लाइन है, इसको जब भी मंगल की रेखा टच करेगी तो मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन हो जाता है नकारात्मक, तो यही हमें सफलता में ठहराव लगा देता है और यही कारण है कि यहाँ पर भी एक तिल का फॉर्मेशन हो गया है। तिल का फॉर्मेशन जब भी हाथ में ज़्यादा हो रहा है, देखिए यहाँ पर शनि पर्वत पर और यहाँ पर मंगल के पर्वत पर, तो तिल के फॉर्मेशन में हम चंद्रमा को अच्छा करना होता है, क्योंकि दाग प्रकृति में चंद्रमा ही धारण करते हैं, जो हमें दृष्टि में आता है और जो दृष्टि में आता है वही तो ज्योतिष होता है। तो चंद्रमा को अच्छे करने से, अगर हम चंद्रमा में फोकस करें, देखिए यहाँ पर आपको क्रॉस दिखेगा, और मैं अपने कई वीडियोस में बोल चुका हूँ कि शनि का पर्वत जब भी वक्री होता है तो सबसे पहले चंद्रमा खराब हो जाते हैं। तो चंद्रमा हमारे हार्मोनल सिस्टम को भी डिफाइन करते हैं, तो इस प्रकार का जब तिल होता है तो यहाँ पे चंद्रमा ऑटोमेटिक गड़बड़ हो जाते हैं। बुध का पर्वत इनका अच्छा बना हुआ है, भाव दे रहा है, बुद्धि अच्छी है और मैरिज लाइन जो है वो थोड़ा बनी अच्छी है, वीक जा रही है। अगर बुध के पर्वत पर ये क्रॉस लाइन पहले फैलेंज को काट देती है, एक लाइन और भी है जो इस प्रकार ऊपर जा रही है, तो ये बुध के पर्वत में शक्ति में कमी करती है। इसीलिए जब बुध का पर्वत वीक होता है तो शुक्र भी अच्छा भाव नहीं दे पाते हैं। शुक्र तभी अच्छा भाव देंगे जब बुध अच्छा भाव दे रहे हों। तो यहाँ पर एक रेमेडी इनको बुध की करना चाहिए, क्योंकि जब बुध अच्छे हो जाएंगे तो इनके शुक्र भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। शुक्र पर्वत पे जिस प्रकार क्रॉस का चिन्ह मैंने बताया है, जो थोड़ा सा इनकी गृहस्थी में डावाडोल करता है, स्थितियों को इश्यूज बना के रखता है, इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे एक अच्छी मछली का भी साइन बन गया है और लाइफ लाइन के आखिर में जाकर यदि मछली बन रही है तो आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा बीतने वाला है। शनि पर्वत पर खड़े लाइनें तो दृष्टिगत है, लेकिन इसको इम्प्रूवमेंट कर लेने से भी हमारा बुढ़ापा बहुत अच्छा बीतता है। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।
आपने कहा कि आपको ज्योतिष बनना है, तो ज्योतिष बनने के लिए विशेष सावधानी रखना चाहिए, अपने हाथ और अपनी कुंडली दोनों का भी एनालिसिस करना चाहिए। हमें कुछ अतिरिक्त जानकारियाँ भी मिल जाती हैं। अब यहाँ पर जैसे आपके हाथ में शनि पर्वत पर दो खड़ी लाइनें हैं और वक्री भी लाइन चल रही है, लेकिन वक्री होने के बाद भी दो लाइन खड़ी हुई है। अब इसका जवाब आपके लग्न चार्ट में और नवांश में मिलेगा। यहाँ पर जो महादशा भी चल रही है वो शनि भगवान की ही महादशा चल रही है। इसके सामने एंडिंग डेट लिखी होती है, ख़त्म होने की तिथि 2040 में शनि भगवान का महादशा ख़त्म होगी। तो इसका मतलब है कि वो 2021 साथ यहाँ से वो चालू होंगे और वर्तमान में शनि भगवान की ही दशा महादशा चल रही है। तो सबसे पहले लग्न चार्ट में देखिए कि शनि भगवान बैठे कहाँ पर हैं। तो शनि भगवान जब भी 10वें घर में बैठते हैं तो ये अच्छे कारक हो जाते हैं, बहुत बड़े कारक हो जाते हैं। शनि जब भी 10वें घर में बैठेंगे तो व्यक्ति को रॉयल बना देंगे, ये बात पक्की है। चाहे वो कम पावर लेकर बैठे हों, पीड़ित नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो शनि भगवान इस 10वें घर में, कर्म का घर है ये, और यहाँ पर शनि भगवान ने 4 नंबर यानी कर्क राशि लेकर बैठे हुए हैं। तो कर्क राशि में यहाँ पर देखिए चंद्रमा कहाँ चले गए हैं, तो कर्म के स्वामी चंद्रमा 12वें घर में बैठे हैं। मैं मूलतः इस वीडियो में दृष्टि की बात नहीं करूँगा, हम मूलतः सिद्धांत जो प्लेसमेंट के हैं वहीं तक सीमित रखूँगा। तो यहाँ पर चंद्रमा जो कर्म के स्वामी है, कर्मेश, वो जाकर 12 नंबर में बैठ गए हैं। तो यहाँ हमें जवाब मिलता है कि हाथ में जहाँ चंद्रमा पे क्रॉस बन गया है तो उसका क्या कारण है कि यहाँ पे चंद्रमा चार्ट में पीड़ित हैं। क्या हमें ये पहले से पता अगर होता तो हम इस चीज़ को सुधार लेते। इसीलिए हम जितना डिले करते हैं अपनी समस्याओं को, ज्योतिषीय समस्याओं को समझने में, उतना ज़्यादा नुकसान होता है। अब इसको मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रथम भाव देखा जाता है, तो यहाँ ये लग्न का भाव है, यहाँ 7 लिखा यानी तुला राशि बनी, इसके स्वामी बने वीनस और जाकर बैठे हैं लाभ के भाव में। और लाभ के भाव में अगर लग्नेश ही लाभ के भाव में चले गए तो ये व्यक्ति की धारा बनाते हैं। लग्नेश जहाँ जाकर बैठेगा पहले घर का स्वामी, तो वो व्यक्ति की जीवन धारा बनेगी। तो लाभ में जाकर बैठा तो व्यक्ति का जो पूरा केंद्रित जीवन जो रहेगा वो लाभ की दिशा में जाएगा और व्यक्ति मैक्सिमम लाभ कमाना चाहेगा। जैसे वैश्य, वैश्य जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ता है, वो मुनाफे पे बढ़ता है, उसका केंद्रित बिंदु क्या होता है, प्रॉफिट। उसी प्रकार यहाँ पर लग्नेश का जो केंद्रित बिंदु बना वो प्रॉफिट। साथ में वीनस के लग्नेश होने के कारण इनको बड़ा पुष्ट मिला ज्योतिष बनने का, क्योंकि वीनस से लाभ मिलेगा, लग्नेश भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लाभ के स्वामी सूर्य कहाँ जाकर बैठ गए हैं, 12 नंबर में, तो यहाँ पर इनको करेक्शन करना पड़ेगा। तो लाभ के जो स्वामी हैं लाभेश, अगर वो 12 नंबर में जाकर बैठ जाते हैं तो हमें यहाँ पर उपाय करना है। सूर्य बैठे हैं किनके साथ में, बुधादित्य योग लगाकर। मरकरी जो है, बुध यहाँ पर स्टार लगा है और उल्टा वी बना है, तो स्टार का मतलब है कि वक्री भी हो गए हैं और उल्टे वी का मतलब होता है कि अस्त भी हो गए हैं। तो हमें मरकरी को पावर देना पड़ेगा। मैंने आपकी चलित कुंडली भी, भावचलित भी चेक करी थी, तो उसमें जो मरकरी है वो निकल कर प्रथम भाव में आ गए हैं, तो इससे आपके मरकरी भी काफ़ी बच गए हैं। तो जहाँ पर, यहाँ पर 12वें घर में जहाँ पर ये अस्त हो रहे थे और सूर्य के साथ में थे और यहाँ पर वक्री भी हो रहे थे, अभी वो इस तरफ आ रहे हैं चलित भाव चलित चार्ट में। तो यहाँ पर से जो 12वें नंबर में जो कमी हो रही थी, तो इसमें आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, बुद्धि का फ़ायदा आपको मिलेगा। ज्योतिष बनने के लिए बुद्धि भी देखनी होती है, तो यहाँ पर बुध बहुत अच्छे बैठे हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब ये है धन और करियर का घर, तो यहाँ पर राहु भगवान बैठे हैं और साथ में जो ये घर के स्वामी हैं वो मंगल बने।
यहाँ वृश्चिक राशि बनी हुई है 8 नंबर। राहु भगवान जब भी शनि या मंगल की राशि में बैठेंगे तो वो उन भगवानों को यहाँ बैठे बैठे ही पीड़ित कर देते हैं। तो हाथ में जैसे अंगारक दोष का एक आपका निर्माण होता है जो अभी वीडियो में देखा, तो यहाँ पर राहु और मंगल भगवान का कोई दृष्टि के साथ संबंध तो नहीं बन रहा है, लेकिन राहु भगवान मंगल भगवान के घर में बैठकर मंगल भगवान को पीड़ित कर रहे हैं। और ये मंगल भगवान आपके भाग्य में बैठे, इनकी डिग्री कम है, केवल 2 डिग्री पर बैठे हुए, तो इसमें भी आपको, यहाँ भी आपको मैनेजमेंट करना है। तो राहु मंगल भगवान का ये जो कनेक्शन है ये भी आपको हटाना चाहिए, सूर्य को यहाँ पर मजबूत करना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा जब भी साथ में आ जाते हैं तो अमावस्या योग लग जाता है, यही आपके हाथ पे भी चंद्रमा पे क्रॉस इंगित कर रहा है। शनि आपको बहुत बड़ा धन देना चाहते हैं, क्योंकि 10वें घर में बैठेंगे तो जी भर के देंगे, लेकिन कब देंगे? जब ये चाहेंगे, ऐसा नहीं कि जब आप चाहेंगे, जब ये चाहेंगे आपको धन मिलेगा। बस इनकी जो पीड़ा है वो हटानी चाहिए, यहाँ पे ये घर जो है पीड़ित हो गया है क्योंकि चंद्रमा ऊपर चले गए हैं 12वें घर में। नवा चार्ट हमें ये बताता है कि कौन सा ग्रह किस भाव में जाकर पावर देगा, प्रभाव देगा। तो यहाँ पर देखिए सूर्य और चंद्रमा फिर पीड़ित हो रहे हैं 8वें भाव में। शनि यहाँ पर भी अच्छी राशि में भी बैठे हैं और लाभ में, और बुध के साथ में बहुत अच्छी मित्रता भी बनाए हुए हैं। यहाँ पर जो लग्न चार्ट में मैंने गुरु को यहाँ व्याख्या नहीं करी, ये 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो जब अपनी राशि में बैठते हैं तो जीवन में अच्छा भाव देते हैं, अनुसंधान कराते हैं। 6ठा भाव थोड़ा सा खतरनाक कहा गया है, यहाँ पर टेस्ट होता है आपका। ऐसा नहीं होता है कि आप थोड़ी सी चीज़ें सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, तो गुरु यहाँ पर बैठ के अनुसंधान कराएंगे, शोध कराएंगे। पेट को मजबूत रखना है आपको, यहाँ गुरु पेट को कमज़ोर कर देते हैं। तो नवां चार्ट में आइए, नवां चार्ट में गुरु विद्या में आ गए हैं, तो पूर्ण रूपेण प्रयास करिए, गुरु को अच्छा करिए, जैसा मैंने आपके हाथ में वीडियो बनाते समय बोला था कि गुरु की ग्रोथ लाइन गड़बड़ हो रही है, लेकिन यहाँ पर नवांश क्या बता रहा है कि ये तो विद्या के भाव में आकर बैठे हैं और अपनी ही राशि में बैठे हैं। नवांश आउटपुट होता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर गुरु बहुत अच्छे हो रहे हैं, केतु 3रे भाव में बहुत अच्छा भाव देंगे, ये भी जादूगरी सिखा देते हैं। राहु देखिए आपको धर्म से जोड़ देंगे, तो नवांश चार्ट कितना अच्छा होता जा रहा है। मंगल का काम कराइए, मंगल का उपाय कराइए, क्योंकि मंगल यहाँ 12वें घर में चले गए हैं। तो नवांश चार्ट तो आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप आइए, आगे बढ़िए, उपाय करिए और अपने योगों को प्राप्त कर लीजिए। डगर कठिन है करियर की, धन की, स्टेप बाय स्टेप, ये 3 स्टेप में हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। श्री गणेश करें। पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब।